बहुत सारे लोग जो हैं वो यकीनन हर आर्टिस्ट के साथ इख्तलाफ भी करते हैं लोग जी जी आपके जी साथ भी करते होंगे क्रिटिसाइज भी होते होंगे जी 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 लेकिन जो जो आपसे मिलता जाता है वो आपका होता जाता है ये आप पे अल्लाह की करम नवाजी क्योंकि आप जरा भी आपके चेहरे पे किसी जुगत कोई करता है आपको या मैंने एक दो प्रोग्राम में देखा है आपको इससे भी हार्ड लफ्ज कहे हैं लोगों ने जी जी आपने फिर भी आगे से मुस्कुराहट ही दी है सर ठीक है सर ये सर अल्लाह के तो आप खुश रहे हंसते मुस्कुराते रहे एक हमारा जो बच्चा ना वो बड़ी देर से मुझे ऐसे ऐसे कर रहा है कि मैंने कोई सवाल करना जी जी प्लीज तो मैंने कहा जाते वक्त से भाईजान आप क्या कहना चाह रहे हैं आप सर आपने एक गाना बनाया था लोटा लोटा बम बम वो आपने क्या सोच के बनाया था और दूसरा ये कि जगह तो ऐसी नहीं थी कोई जो ज़हन में आया लोटा ये शीशे के सामने खड़े हुए तो उधर से इनको इंस्पिरेशन मिल गई अच्छा जरूरी नहीं लोटा वो होता है एक लौटा भी होता है कि जो अच्छा आपने वो वॉशरूम वाला लोटा कहा या लौटने वाला लोटा कहा नहीं पिछले ना तकरीबन 7-8 साल से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में टीवी पे लोटा लोटा आता है तो मैं ऐसे सुनता रहता था मैंने कहा अच्छा ठीक है जी फिर यह कि मैं घर में भी मेरे वॉशरूम में भी जी लोटा है ठीक है जी अच्छा तो, शावर वगैरह करने तो वैसे ही जहन में ना अचानक ख्याल आया कुछ लोटे के ऊपर जी लिखा जाए हाँ। लेकिन वो डांस नंबर वो डांस नंबर ठीक है तो मैंने लोटे के ऊपर जी लिखा अच्छा आपने लोटे के ऊपर लिखा जी हाँ जी तो कैसे लोटे के ऊपर कैसे लिखा जाए लोटे के ऊपर ना उसके जो लोटे की जो शख्सियत है शान है ठीक है जी ठीक है जी ठीक है जी ये लोटे की जो ठीक है लोटे की जो शख्सियत है ठीक है उसके करेक्टर के ऊपर लिखा जी हाँ जी हाँ तो इन देन जब मैं वो मेरा इन जो आखिरी जो 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 मिसरा मेरी जी लाइन उसमें मैं ये भी कहता हूँ मैं भी लोटा तू भी लोटा बम 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 तो बाकी कुछ नहीं ऐसा इसे फन मेरी जो सारी शायरी है जो मेरा जितने भी ट्रैक्स मैं रिलीज़ करता हूँ वो फन होते हैं इंटरटेनमेंट होती है कि आप इन्जॉय करें सबसे पहले मैं इन्जॉय करता हूँ सबसे पहले मैं एंजॉय करता हूं सर लेकिन आप उसकी देखें बच्चे की कि हाँ। उसने इतनी देर से जी जी। लोटा कैसा महफूज रखा जी कि हाँ। मैं पूछना है जी जी। उसके दिमाग में लोटा कैसा फिट हुआ हुआ है देखिए जरा पुठे लोटे जैसा जी जी जी। ले जी सर जी साढ़े हम मौके जरा इजाजत दियो असि निकलना साड़ा एक प्रोग्राम भी और दूसरी का कपड़े भी मोड़ने हैं तरीक पैण दुनिया तो मुंह मोड़ो भाई मालो दौलत बोरा भी रखा वा चुक चुक पाई अच्छा बोरा उन्होंने रखा बोर करने वाला भी रखा अच्छा जी समाइल देखो जी नादरीन समाइल तो क्या बात है शुक्रिया आपका वो जो खान साहब था वो मेरे ख्याल बाहर कहीं तुसी सच्चे सुरां नाल अज ज्यास्ती कीती है उन बन के बाहर कलता ओदे मुंह बनन नाले सुर रोक नहीं सकदे ए सफर बंद नहीं हो सकता करदा मैं बंद हुंदे नहीं ओदा हो भी सकदा ओ यार अगर सच्चे सुर दा मुंह बंद कीता झूठे दे केड़ा पग पाती है ओदा भी ओही हाल करन रहे हां बिल्कुल क्यों सर ए स्माइल देखो किड्डी प्यारी प्रौणी दी बगल वर्गी स्माइल है देखो किदी प्रौणी दी बगल दी पार्टी हुंदी जिवें इथों क्यों किन्ने प्यारे ने माशाल्लाह सर आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए और आप सबका नादरीन बहुत शुक्रिया हमारी ऑडियंस का बहुत शुक्रिया और आपने बहुत पसंद किया हमें खुद बहुत मजा आया उस प्रोग्राम वो प्रोग्राम बहुत अच्छा था जिसका होस्ट को गेस्ट को ऑडियंस को खुद बड़ा मजा आया सर वो बाकियों को मजा आता है अगर आपको मजा जैसे आप गाते हैं आपको मजा आता है ना हमें क्यों नहीं आता नहीं हमें भी आता है आपको आता है तो हमें मिलता मजाक कर रहा हूं सर कोई ऐसी बात नहीं सर ले जी नादरीन आप किधर सिर्फ दिल वड्डा कर कुछ नहीं होना इधर इधर मैं तुम दस इतने बह मेरा पुत्र मेरे गोडे दे बैठे इतने बह ऐ देख आराम नाल सुन इधर कुछ नहीं होना सर सुनाए कुछ खास तौर पे आपके लिए अच्छा हौसला कर कुछ नहीं करना कुछ नहीं हौसला कर जी कच्ची 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 पकी पकी कच्ची कच्ची पकी पकी कच्ची कच्ची पकी अरे मारे 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 वाह कच्ची 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 पकी पकी कच्ची कच्ची अच्छा सर एक बात बताएं जी जी जो बच्चे बेसुरा गा रहे हैं अभी जिनको सुर का नहीं पता बहुत से बंदे गा रहे हैं
बेसुरा गा रहे हैं जी जी, सुर का भी नहीं पता, लय का भी नहीं पता, राग का भी नहीं पता, बिल्कुल ही नहीं पता जी जी, आपने सुना होगा बहुत से लोग आप सुबह शाम सुनते होंगे जी जी, उनके लिए क्या पैगाम है, वो क्या करें सुर में होने के लिए? बेशुमार उन्होंने जी जिहड़े नहीं सुर च गा रहे, सब तो पहले होते हैं इन्होंने चुप कराओ। दूसरी पता क्या बात है, देखें शो और होता है आपकी आपस में डिबेट और चीज है, नहीं नहीं बदतमीजी नहीं करनी। मैं सर एक गल करना चाहना, कौम ते जो हालात चलन डे ने जी, मालिक ने कोई आफतां भेजनियां होंदियां तो फिर एक अद्धी आफत है सूरज भी आउंदी है जी। आफत मतलब? मतलब देखो पहले जलजले आ जाते सी, एज जलजले नु रिप्लेस करके आए ने भाई। बात ए नाले ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਣ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਗਾਣਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਐਸੇ ਸੱਚ ਕੋ ਮੈਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਅੱਛੀ ਕਰਵਾ ਸਕਤੇ, ਨਾ ਆਪ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਹਿਨ ਸਕਤੇ, ਨਾ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਘਰ ਆਪਣੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਸੁਰੋ ਕੋ ਐਸੇ ਸੱਚਾਈ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਬਾਂਟੀ ਆਗੇ ਕਹੀਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਦੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਕੇ ਘਰਾਨੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਆਪ ਉਨਕੋ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤੇ ਜੀ। बिल्कुल ऐसे जी जी हुक्म करें। बिल्कुल जी, जानी भाई ने 500% दुरुस्त कहा है, 500% ये दुरुस्त कहा ऐसे। लेकिन जो नए माशाल्लाह जो अभी सीख रहे हैं, जिन्होंने आगे सीखना है, घबराना नहीं है, हर कोई गाना गा सकता है, चाहे आपकी आवाज पतली है मोटी है जैसी भी आवाज है, सिर्फ सिर्फ ये आपने मेहनत करनी है। सर वो बताए ना, मैं आपसे पूछा था कि वो जो बेसुरा गा रहे हैं आजकल उनके लिए कोई मशवरा दें। उनके लिए सबसे पहला मशवरा तो जी यही है कि खलूस नीयत से अपनी ज़ात से सबसे पहले सीरियस हो जाए कि मैंने यही काम करना है, ठीक है। बहुत मुश्किलात आएंगी, लाजमी आएंगी, ये मैं पहले जी बता दूँ, और मे भी आपको कोई अपना शगिर्द भी ना बनाए, आपने हिम्मत नहीं हार, आप हैं ना बनाने के लिए शगिर्द। मैं वैसे जी बात आपसे सीखेंगे ना हम, बिल्कुल। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको जी सिखाऊंगा, बहुत ईजी है सिंगिंग, सिर्फ ये कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और अकेले बैठने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, हाँ ठीक है जी। तो जब आप अकेले बैठ के रियाजत करेंगे, लिखेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला सत्य ही खैर। सर आप जब गाना शुरू करेंगे ऐसा ऐसा सब छूटते जाएंगे आपसे, तो आप अकेले रह जाएंगे क्योंकि अच्छा गाना नहीं सुनते आजकल लोग। गल करना चाहना, कौम ते जो हालात चलन डे ने जी, मालिक ने कोई आफतां भेजनियां होंदियां तो फिर एक अद्धी आफत है सूरज भी आउंदी है जी। आफत मतलब? मतलब देखो पहले जलजले आ जाते सी, एज जलजले नु रिप्लेस करके आए ने भाई। बात ए नाले ए मालिक दी कोई ए कहिंदे ना वी बण मालिक दा करे, मालिक दा करम नहीं हैगा, मालिक दी पकड़ हुंदी आ जिहड़ी तुहानू होई है। ए नहीं जी, असीं तां गाना सच दा गाना गाया, मेरे को गाना सुनो गाना। भाई जान ऐसे सच को मैंने क्या करना है, आपने क्या करना है, ना आप अपने बच्चों की तालीम अच्छी करवा सकते, ना आप कोई अच्छा पहन सकते, ना आपके पास कोई पैसे हैं, ना आपके पास घर अपने होते हैं, ऐसे ऐसे सुरों को ऐसे सच्चाई को क्या करना है, आपने बांटी आगे कहीं किसी को दी, जो लोग आपके घराने से नहीं होते आप उनको मुंह नहीं लगाते जी। बिल्कुल ऐसे जी जी हुक्म करें। बिल्कुल जी, जानी भाई ने 500% दुरुस्त कहा है, 500% ये दुरुस्त कहा ऐसे। लेकिन जो नए माशाल्लाह जो अभी सीख रहे हैं, जिन्होंने आगे सीखना है, घबराना नहीं है, हर कोई गाना गा सकता है, चाहे आपकी आवाज़ पतली है मोटी है जैसी भी आवाज़ है, सिर्फ सिर्फ ये आपने मेहनत करनी है। सर वो बताए ना, मैं आपसे पूछा था कि वो जो बेसुरा गा रहे हैं आजकल जी उनके लिए कोई मशवरा दें। उनके लिए सबसे पहला मशवरा तो जी यही है कि खलूस नीयत से अपनी ज़ात से सबसे पहले सीरियस हो जाए कि मैंने यही काम करना है, ठीक है। बहुत मुश्किलात आएंगी, लाजमी आएंगी, ये मैं पहले जी बता दूँ, और मे भी आपको कोई अपना शगिर्द भी ना बनाए, आपने हिम्मत नहीं हार, आप हैं ना बनाने के लिए शगिर्द। मैं वैसे जी बात आपसे सीखेंगे ना हम, बिल्कुल। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको जी सिखाऊंगा, बहुत ईजी है सिंगिंग, सिर्फ ये कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और अकेले बैठने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, हाँ ठीक है जी। तो जब आप अकेले बैठ के रियाजत करेंगे, लिखेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला सत्य ही खैर। सर आप जब गाना शुरू करेंगे ऐसा ऐसा सब छूटते जाएंगे आपसे, तो आप अकेले रह जाएंगे क्योंकि अच्छा गाना नहीं सुनते आजकल लोग।